हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि यूपीएससी सीसेट के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में उस पर बेस अगर क्वेश्चन आता है देन आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। ओके, तो पहले देखते हैं कि हमारे सी सेट के एग्जाम में बेसिकली आता क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि क्वांट, ओके, और यू कैन से मैथ का आपका पार्ट आता है, मैथ्स के अंदर क्वांट एंड डीआई। दूसरा आपके पास में एग्जाम में आता है लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन इंग्लिश एंड इंटरपर्सनल स्किल। ओके, अब बात करते हैं कि हाँ जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके अंदर से हमने करना है। अब यहाँ पे देखिए, क्वांट के अंदर करते टाइम, क्वांट के जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे फिर भी कैलकुलेटिव पार्ट होता है, आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, क्वेश्चन को जब सोल्व करते हो तो आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर सोल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को कर दो स्किप। ओके, और पहले एग्जाम के अंदर ये कहो कि हाँ जी गो थ्रू द फुल एग्जाम, उसमें देखो कि हाँ जी जो इजी इजी क्वेश्चन से पहले वो देखने हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास में क्वांट के कुछ पार्ट को आप स्किप करके उसकी जगह पे आप कंपनसेट किससे करेंगे कि जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर इजी कहाँ पे है, तो इजी आप ये कहिए कि जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है बेटा। हाँ जी, हमारे पास में जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप एक तरह से देखो कि आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हो देन इन एग्जाम इन ए सिंगल ग्लांस यू कैन सोल्व द क्वेश्चन। ओके, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के अंदर ऐसा है कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो किस तरह से आ रहा है, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आजकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का साइज तो छोटा कर दिया, मीन्स कि स्मॉल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे बट टिपिकल हो गए हैं, रीजन बीइंग कि जो ऑप्शंस हैं वो ऐसी होंगी कि अपने को खुद को ही नहीं पता चलता कि हाँ जी ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है। ओके, तो अब यहाँ पे आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लॉजिकल रीजनिंग दैट इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर, तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। पहले उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हाँ जी क्या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हर बार आ रहे हैं एग्जाम में। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो देखो 2015 के अंदर 24 क्वेश्चंस वर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, 24 क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से। उसके बाद 2016 में 26 क्वेश्चन थे, देन 29 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, बट 2020 के अंदर आपके पास में यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चन थे आपके पास, 14 क्वेश्चन थे, बिकॉज 2020 के अंदर क्वांट के अंदर से आपके 41 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे। कितने क्वेश्चन थे, 41 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर थे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो उसके अंदर हमारे पास 22 क्वेश्चन एग्जाम में थे। अब यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ हम लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सॉरी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट इन दोनों पार्ट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो सी सेट का पेपर आप इजिली क्लियर कर सकते हो। ओके, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के जो आपको कंफर्म है कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, उनको आप अटेम्प्ट करो। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन ही आपका पेपर क्लियर इजीली करवा सकता है। ओके, तो अब बात आ रही है कि हाँ जी होता क्या है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर से ऑलमोस्ट आपके 22 to 25 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो बाकी का पेपर है वो किसमें से आ रहा है, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से। ओके, क्वांट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो इन दैट केस लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं जो आपकी एक तरह से रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, अगर आपका जो माइंड है अलर्ट है, रियल लाइफ के अंदर आप अलर्ट हो, उस केस के अंदर आप इजीली लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन क्रैक कर सकते हो बहुत ही इजीली।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब ब्लड रिलेशन में क्या है, थोड़ा सा आपने कितना देखना है, क्या देखना है इसके अंदर कि हाँ जी सभी को रिलेशंस तो पता ही है, जस्ट आपको एक फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अगर आपको फैमिली ट्री का आइडिया हो गया, इन दैट केस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो कितनी हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, आप इजीली इस पार्ट को कर सकते हो। ओके, तो ब्लड रिलेशन काफी ज्यादा इजी है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, तो इस टॉपिक को आपने सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब उसके बाद देखो डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस बचपन से हमें बताया जाता है कि चार डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, और उसकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, वो सभी को पता है। अब उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस हमने क्या करनी है कि अगर मेरे पास में ये चार डायरेक्शन है और कोई बंदा ईस्ट में जा रहा है तो उसको इधर चला दो जी, ठीक है जी। अगर वो कह रहा है कि साउथ में जा रहा है तो उसको इधर घुमा दो, इस तरह से बिल्कुल ही इजी पार्ट है। देन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं यहां से एक पर्सन चला, उसने 3 किलोमीटर वो चला इधर, फिर उसके बाद में इससे, फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर चला इधर। अब ये बताओ कि वो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ये पर्सन अभी स्टार्टिंग पोजीशन से कहां पे फिर डायरेक्शन का तो हमें इतना आइडिया है ऑलमोस्ट। अब बल्कि आजकल तो ये सोच के चलो कि आप लोग व्हीकल सारे चलाते हो, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा आप में से जिसको व्हीकल जो ना चलाता हो, और जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसके लिए तो डायरेक्शंस बिल्कुल ही इजी होती हैं। तो डायरेक्शन पे इस बार 3 क्वेश्चंस थे एग्जाम के अंदर 2021 के अंदर, 3 क्वेश्चंस वर फ्रॉम डायरेक्शन, कितना इजीली कर लोगे आप। ओके, थोड़ा सा डायरेक्शन, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गया अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या हो गया हमारे पास में, क्या हो गया बताओ हमारे पास में क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, सिंपल। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से आता है, जो डायरेक्शन सेंस है इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी हर बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। ओके, अब देखो और दूसरा इजी पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लॉजिकल रीजनिंग में बात कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास में एक टॉपिक आता है क्या, लॉजिकल अल्फाबेट एंड कोडिंग डिकोडिंग। इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब बात आती है कि भाई जब आप फर्स्ट क्लास में, जब नर्सरी क्लास में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, जब आप नर्सरी क्लास में गए हो तब से आपको एबीसी पढ़ाई जा रही है, तो क्या इसके लिए मुझे कुछ अलग से सीखना है, क्या मुझे इसके लिए कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, नहीं। बस उसको हमने यूज कैसे करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, बस वही चेक करना है। अगर वो हमें पता है देन इस पार्ट को तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। इवन जो कोडिंग डिकोडिंग एंड लॉजिकल अल्फाबेट का पार्ट है, इसको तो अगर आप सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे के साथ भी बैठ के भी डिस्कस करो ना, तो वो भी बता देगा नहीं नहीं आप है ना ऐसा कर लो, जो भी आपके घर में बच्चा है अगर आप उसको भी थोड़ा सा बताओगे ना कि हाँ जी देखो ए के बाद में ना जो ए है ये बेटा फर्स्ट पोजिशन पे आता है, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसका कोड सी बना रही हूँ, ठीक है, तो बताओ कि डी का कोड क्या होगा, तो बच्चे को भी आएगा कि ए के बाद में बी को स्किप करके सी कोड बनाया है, ठीक है, तो डी के अंदर ई को स्किप कर देता हूं तो क्या कोड बनेगा हमारे पास में, एफ कोड बनेगा। क्या मुश्किल है इसमें, समझ रहे हो बात। तो यहां पे जस्ट थोड़ा सा हमने ध्यान क्या देना है कि इनकी नंबरिंग से याद करनी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नंबरिंग का याद करनी है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करती हो तो ये क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड्स आप सोल्व कर लोगे एग्जाम में, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। ओके, अब बात करते हैं हम क्लॉक एंड कैलेंडर। कैलेंडर में से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैलेंडर में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब ये बताओ कि कैलेंडर क्या हमें पता नहीं है, हम रोज कैलेंडर देखते हैं, रोज डेट हम देखते हैं कि हाँ जी आज ये डेट है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज क्या है, 20th मार्च है, 20th मार्च 2022 है, तो हमें क्या पता नहीं है कि हाँ जी लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है, मार्च में कितने डेज हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा इकट्ठा करना है, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्या हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे कैलेंडर का। और हर बार क्वेश्चन आता है कि हाँ जी बताओ, जैसे इस बार ही क्वेश्चन था 10th अक्टूबर को एग्जाम था, हमें पता था संडे को एग्जाम है, ठीक है, तो ये था कि हाँ जी ये बताओ कि नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स के बाद में 10th अक्टूबर को क्या डे होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट अगर आपको यहाँ पे
कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक कंसेप्ट सीखना है, अगर आपको ओड डेज का कंसेप्ट पता चल गया देन कैलेंडर का क्वेश्चन विद इन सेकेंड करोगे भाई आप लोग, विद इन सेकेंड आप सोल्व करोगे। तो यहां पे देखना है कि जो इजी इजी हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं उनको हमने स्किप नहीं करना है, उनसे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और हम विद इन सेकेंड उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मिनट तो बहुत दूर रह गई है, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब उसके बाद देखो सिलोजियम, देर आर थ्री क्वेश्चन इन दिस ईयर 2021 के अंदर थ्री क्वेश्चन थे सिलोजियम में, थ्री या फोर क्वेश्चन थे, यस ओके सिलोजियम पे से। अरे है क्या, कुछ भी नहीं है, जस्ट अगर आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना आता है वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर वेन डायग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चन, साथ में आपका सिलोजियम, अगर आपको वेन डायग्राम आ गया देन सिलोजियम में है क्या, सिर्फ तीन पॉइंट्स ही तो याद करने, तीन पॉइंट्स ही तो समझने, याद क्या करना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनानी है, समझने है, क्या समझना है हमने, हाँ जी इसके अंदर तीन चीजें है, सम ऑल और नन। इसका अगर हम मुझे पता चल गया कि सिलोजियम के अंदर कि इनका हमने वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना, देन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, डेफिनेटली मैं कह रही हूं कि हाँ जी कर लोगे। कुछ भी नहीं है, एक बार कंसेप्ट सीखो, एक छोटा सा कंसेप्ट अगर वो आ गया सिलोजियम कर लोगे, हाँ जी। तीन क्वेश्चन क्या है कैलेंडर में से, इस बार दो क्वेश्चन थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में से एक क्वेश्चन था, एक लॉजिकल अल्फाबेट्स पे था, डायरेक्शन सेंस पे से दो क्वेश्चन थे, एक ब्लड रिलेशन में से, तो बताओ क्या था, डाई नंबर का एक क्वेश्चन है। अब दूसरा देखो, अब बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग अगेन इंपॉर्टेंट। ऑर्डर एंड रैंकिंग पे तीन क्वेश्चंस थे एग्जाम में, एक तो क्वेश्चंस था ना जिसके अंदर ये था कि बुक्स इधर हम अरेंज कर देते, अरेंजमेंट टाइप्स क्वेश्चन था, मींस ऑर्डरिंग का क्वेश्चन था, और दो रैंकिंग के क्वेश्चन थे, एक डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में आया हुआ था क्वेश्चन और एक स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, ध्यान ये रखना है, अब बात आती है कि क्वेश्चंस ठीक है कंसेप्ट क्लियर करो, और ये देखो क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ कैसे रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से, जस्ट हमें वही देखना है, ओके। कंसेप्ट इजी कंसेप्ट है, जस्ट हमने ये देखना है कि टॉपिक क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका रैंकिंग वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया, रैंकिंग मींस रैंकिंग और ऑर्डरिंग, ठीक है। तो अगर ऑर्डरिंग मुझे पता है कि हाँ जी लेफ्ट में कौन जाना है, राइट में कौन है, कितने लोग लेफ्ट में राइट में, तो उनको अगर आपको अरेंज करना आ गया तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आ जाएगी। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट आ गया तो ऑर्डरिंग तो आपकी ऑटोमेटिकली हो गई है, सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। अब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, इसमें थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, कंपैरेटिवली अगर मैं कहूं कि इनसे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट सी सेट के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का लेवल इतना नहीं आता कि आपकी पजल सोल्व ही ना हो। इजी पजल्स आते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल आते हैं, बट कंपैरेटिवली अगर मैं कहूं, अगर और एग्जाम की मैं बात करूं, तो अगर हम कहें कि भी बैंकिंग की पजल और कहां पे आपकी सी सेट की पजल, तो आप ये कहोगे कि बैंकिंग की पजल के सामने सी सेट की पजल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि इजी है, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगेन इजी है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ए बी सी, फिर एक आपके पास में मिसिंग है डी डी, इस तरह से इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर सिर्फ मैं ये कह रही हूं कि अगर सिर्फ ये वाले टॉपिक्स भी आप करते हो, ये वाले टॉपिक्स भी करते हो, हाँ एक और टॉपिक बड़ा इजी है, क्यूब एंड डाइसिस, इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, काफी इजी टॉपिक्स है। अब ये इजी टॉपिक्स अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को करते हो, तो ये मैं इतना कह सकती हूं कि 15 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं, 15 क्वेश्चंस आप कर लोगे एग्जाम के अंदर अगर सिर्फ आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये बेटा ऐसे नहीं प्रिपेयर करने, प्रिपेयर करने कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन सोल्व कर रही हूं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, पहले मुझे डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए, डायरेक्शन का आइडिया मुझे पता है सभी को है, सबसे इजी भी लगता है होगा डायरेक्शन और ब्लड, ये जो तीन टॉपिक है ना ये तो सभी के लिए ऐसा है, डेली लाइफ के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ध्यान क्या देना, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपका डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, डाटा सफिशियंसी कोई अलग से टॉपिक नहीं है,
कि मैं ये कहूँ कि हाँ जी डाटा सफिशियंसी एक अलग से टॉपिक आपको ये तैयार करना है, नहीं। डाटा सफिशियंसी पे आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास में सिलोजियम का क्वेश्चन आ सकता है इवन। ओके, तो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि उसको हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, डाटा सफिशियंसी के साथ में प्रैक्टिस करने की। अगर मैं ब्लड रिलेशन कर रही हूँ तो उस क्वेश्चन को भी कैसे हमने देखना है कि ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है इसके बेस पे क्या मेरा आंसर आ जाएगा, यस, इस स्टेटमेंट के बेस पे क्या मेरा आंसर आ सकता है, सॉल्व नहीं करना, वो भी देखना है आपने, ठीक है। इसी तरह से स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भी एक पर्टिकुलर आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है और उसके बेस पे दो, अगेन आपके पास में दो पॉइंट्स गिवन है और उसमें से कह देता है बताओ कि फर्स्ट वाला ट्रू होएगा या सेकंड वाला, या दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे, इस तरह से। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं, तो कंसेप्ट के साथ साथ हर एक टॉपिक पे वो भी माइंड में रख के चलना है आपको। ओके, अब सारा इंटर रिलेटेड है। क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग क्या है आपका, एक तरह से दिस इज सिंप्लीफिकेशन पार्ट, सॉरी अर्थमैटिक रीजनिंग की बात कर रही हूँ बेटा, दिस इज अर्थमैटिक रीजनिंग। ओके, अर्थमैटिक रीजनिंग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। अब यहां पे देखो एक वर्ड यूज हो रहा है मेरे पास, अर्थमैटिक, दैट मींस कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको लॉजिकली सोचना है और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का पार्ट बीच में आ जाएगा, आपका मैथमेटिकल पार्ट बीच में एड हो रहा है। तो ये सिंप्लीफिकेशन, मैंने आपको जब लॉजिकल क्वांट का पार्ट कराया था तो उस टाइम पे मैंने आपको क्वांट के अंदर ही करवा रही हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक रीजनिंग वो एक तरह से आपका क्वांट वाला सिंप्लीफिकेशन वाला ही पार्ट हो गया, तो वो भी अगेन लॉजिकल है और इसके अंदर काफी इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा ये है कि क्रिटिकल रीजनिंग अगर नहीं हो पा रहा तो आप स्किप भी कर दो, कोई इजी प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कर लो सिर्फ, ठीक है। जब सिंप्लीफिकेशन वाला करोगे तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप क्वांट में सिंप्लीफिकेशन करोगे, वर्ड बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे सिंप्लीफिकेशन की, इन दैट केस अर्थमेटिक रीजनिंग का पार्ट आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे, स्टेटमेंट पे हमारे पास में आ गया कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड आपके पास में ये आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट आ गया, अजम्पशन आ गई आपके पास, कोर्स ऑफ एक्शन आ गया। दिस पार्ट इज इन क्रिटिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग है इसके अंदर 2017 के बाद से, कब की बात कर रहे हो बेटा, 15 में क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 में भी, 17 में भी, बट 17 के बाद से क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। वो पार्ट कैसे चेंज किया है यूपीएससी ने, उसको एक तरह से उसने कन्वर्ट कर दिया है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं तैयार करना आपने, इस पार्ट की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी जब आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप इंग्लिश वाला सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हो तो उस इसमें आपको पता चलेगा कि इन्फ्रेंस क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है, एजम्पशन कैसे फाइंड आउट करनी है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इसके ऊपर बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। तो वो पहले ऐसे आता था कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती थी और उसके बेस पे आपको आंसर करना होता था। आजकल क्या आ रहा है कि आपके पास में एक पैराग्राफ आ रहा है और उस पैराग्राफ के अंदर से आपको फाइंड आउट करना है दिस वन। तो वो कन्वर्ट कर दिया यूपीएससी ने किसमें, इंग्लिश के सेक्शन के अंदर। ओके, तो ये वाला पार्ट आजकल लॉजिकल रीजनिंग में इतना नहीं आ रहा, तो आप ये कर सकते हो स्किप, तो क्या है कि तो आपका प्रिपेयर ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप इंग्लिश वाला सेक्शन प्रिपेयर कर रहे होगे, तो ये आपका प्रिपेयर होगा। इन केस अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपने इंग्लिश में इसको पढ़ा हुआ है तो आपका ये इजीली हो जाएगा। ओके, काउंटिंग फिगर कभी आ जाता है बेटा, कभी नहीं आता, ठीक है, बट इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा भी टाइम लगाओगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है काउंटिंग फिगर, ये भी आप कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एक और टॉपिक है अपने पास में, आप जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आपको आती है, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो अभी आजकल जो क्वेश्चन है वो मिसिंग टर्म के फॉर्म में आ रहे हैं, मिसिंग टर्म, फाइंड मिसिंग टर्म कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 2, 4 उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपके पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 4
8 and 16, ओके दिखाई नहीं दे रहा, रुको एक मिनट, यहाँ पे करके बताती हूँ मैं आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके मिसिंग टर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक है, इसके अंदर देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 2, 4, 8, ठीक है जी, 3, 2, 4, 8, अब उसके बाद में हो गया 3, 6, 12, 4, 8, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, डन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके अंदर भी क्या है आपको लॉजिक देखना है, सिंपल है। देखो अगर आपको नंबर सीरीज पता है, थोड़ा सा लॉजिकली आपने किया है अल्फान्यूमेरिक सीरीज को और नंबर सीरीज को, तो कर लोगे। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 2 × 2 = 4, 8, 3 × 6 = 12, 4 × 8 = 16, तो क्या आ जाएगा, 16 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो इस तरह से आपने इसका पार्ट क्लियर करना है। अब बात करें अगर एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन की, एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, अगर आपका जीएस वाला पार्ट अच्छा है, जीएस वाला पार्ट अच्छा है, तो एनालॉगी पे क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, ठीक है। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा आपका जीएस वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा साथ में अगर नंबर पे बेस्ड आती है, तो अगर आपकी नंबर सीरीज, अगर नंबर एनालॉगी या क्लासिफिकेशन आती है, तो नंबर सीरीज अगर क्लियर है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका अल्फाबेट बेस्ड एनालॉगी एग्जाम में आती है, तो अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल अल्फाबेट क्लियर है, तो भी आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, मींस इसके लिए भी आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, डन। तो बेटा देखो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि काफी ज्यादा ये इजी पार्ट है हमारा, इजी सेक्शन है सी सेट का, और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे सभी के सभी, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन अवर वेबसाइट, दैट इज abhipedia.abhimanyu.com, abhipedia.abhimanyu.com वेबसाइट है, इस पर आपने विजिट करना है कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है बेटा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, इनका सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है, सभी ने ज्वाइन करना है। इसके अलावा जो हमारा कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है, ओके, 7 डेज फ्री ट्रायल इसके अंदर आपको मिल रहा है, कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स, इसको आपने ज्वाइन करना है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो ये अपना कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है, तो इस कोर्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स, ये देखिए, ओके okay, तो इसको जब आप ज्वाइन करते हो, पहले आपको एक बार लॉगिन करना है और इसको ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको विद पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने कवर किया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 तक, 2015 टू 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस हैं, ओके। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, प्रैक्टिस के लिए जो वीडियोस हैं वो हैं। इसके अलावा कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियोस, डन। अब हर एक वीडियो के साथ मेनली जो कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियोस हैं, इसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने करवाया, और हर एक टॉपिक के अंदर आपको 4 to 5 वीडियो सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिंग की मिल रही है। उसके साथ में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे टेस्ट मिल रहा है, इसके अलावा MCQs 300 to 400 MCQs प्रोवाइड किए हमने आपको प्रैक्टिस के लिए। तो एक बार सभी ने चेक जरूर करना है इसको, सभी ने ज्वाइन करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का कोई अच्छा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।